हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 अगस्त एसएससी एमडीज के फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में पूछे गए 100% रियल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही था कि कॉमनवेल्थ 2018 का गेम कहाँ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन 1976 में 42वां संशोधन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि ब्रायोफाइटा क्या होता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा उभयचर होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी। तो इसकी शुरुआत विनोबा भावे ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही है। आपका क्वेश्चन है कि चंदेरी का युद्ध राणा संगा को किसने हराया था। ठीक है, जो चंदेरी का युद्ध हुआ था उसमें राणा संगा को किसने हराया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राणा संगा को बाबर ने हराया था। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो आप एक बार हिस्ट्री से युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, क्योंकि युद्ध से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस तत्व का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओशिमियम। ठीक है, ओशिमियम इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व तो इसी तत्व का होता है, ओशिमियम। अगला आपका क्वेश्चन था कि आरबीआई 1935 में कितनी पूंजी पर खुला था। ठीक है, तो सबसे पहले 1935 में जो आरबीआई है वो कितनी, उसकी लागत क्या थी। तो उसकी लागत थी 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ उसकी लागत थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा, ठीक है, वो जिसने भारत की खोज की थी 1998 ईस्वी में, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1498 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो 24 दिसंबर 1554 को कोची में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन ये था कि करेक्ट मीनिंग, ठीक है, वेलफेयर का करेक्ट मीनिंग कुछ गलत दिया होगा इसका स्पेलिंग, इसको करेक्ट सही करना था, तो इसका करेक्ट यही होगा, वेलफेयर का। ठीक है गाइस, तो फिलहाल मेरे पास इतने ही क्वेश्चन है। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट्स का हेल्प हो सके। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम एसएससी एमटीएस का एग्जाम एनालाइज करते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड सी यू अगेन।